काहे एक सरकारी मास्टर अपने लौंडे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहा है काहे एक सरकारी अस्पताल का डॉक्टर अपने बाबू बाबा सीर की इलाज जाके प्राइवेट अस्पताल में कराता है क्योंकि इनको पता है कि इन्होंने जो सरकारी दाल बनाई है चौंका लगा के उसमें छिपकली और मूस ऑलरेडी मरे हुए हैं कलैया मार रहे हैं जो पूरा शहर खा सकता है पर इनके घर वाले नहीं खा सकते एक सरकारी अस्पताल का डॉक्टर अपने प्राइवेट क्लिनिक में बैठकर ज्ञान बगाड़ता है कि यार सरकारी अस्पताल का संडास जो है साफ सुथरा नहीं बहुत गंदगी है एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले लउंडे का बाप जाके विरोध करता है कि प्राइवेट स्कूल की फीस बढ़ गई है जबकि उसका बाप जो है वो खुद एक सरकारी मास्टर है ये सब कुछ खाली हिंदुस्तान में संभव है गुरु मतलब तुमको नौकरी नहीं मिलती है, वैकेंसी नहीं आती तो तुम धरना दे दे के अपना पिछवाड़ा सुझा देते हो कि एक बार हम सिस्टम में आ गए पूरा सिस्टम सुधार के रख देंगे और सिस्टम में आने के बाद तुम क्या कर रहे हो मतलब सिस्टम में बैठे हो तुम सुधारेगा कौन तुम या फिर वास्को डिगामा आएंगे ना। दोस्तों जिस तरह से वृक्ष अपना फल स्वयं नहीं खाते हैं नदियाँ अपना पानी स्वयं नहीं पीती हैं ठीक उसी तरह से सरकारी स्कूल के टीचर अपने बच्चों को खुद सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाते हैं चलो,